हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों देखिए, जंगली कबूतर आके मेरे बालकनी के बाहर बैठा है खाना खाने के लिए, तो जल्दी से मैं इन सबको खाना दे देता हूँ। मैंने बर्ड्स को खाना दे दिया है, बाहर के जंगली कबूतरों को भी खाना दे दिया है। अभी रेडी करेंगे डॉग्स का खाना, फिर चलेंगे मेरे कबूतरों को पानी पिलाने के लिए। मैं बाघा और टाइगर का चिकन फ्रिज में रखता हूँ, अभी फ्रिज से निकालेंगे फिर पकाएंगे। चिकन तो पूरा जम के बर्फ हो चुका है, तो अभी रखते हैं बाहर ही, कुछ देर बाद पका लेंगे। और देखिए, जंगली कबूतरों ने भी अपना खाना खा लिया है, अभी पानी पी रही है। तो दोस्तों, मैंने कुछ देर बाद चिकन निकाल लिया और चिकन के ऊपर देंगे चावल, और चावल देके पानी डालेंगे उसके ऊपर, फिर आधा घंटा तक इसको पका लेंगे अच्छे से। और इस जंगली कबूतर के बच्चे को मच्छर ने काट लिया है, देखिए पूरा चारों तरफ पॉक्स निकल आया है। तो मैंने हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके इसके बॉडी में लगा दिया है, तो आज मच्छर नहीं काटा। और मैं अभी हल्दी और तेल का मिक्स 3-4 दिन और लगाऊंगा, 3-4 दिन में घाव पूरा सूख जाएगा। और ये सब पट्टा कबूतर को अभी मैं रेडी कर रहा हूँ इस साल सर्दी में उड़ाने के लिए। बहुत दिन हो गया है मैंने कबूतर उड़ाया नहीं है, तो इस साल मैं सर्दी में 100% श्योर कबूतर उड़ाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा मेरा कबूतर कैसा उड़ता है। और इस पेयर के लिए मैंने एक अलग सा बड़ा पिंजरा छोड़ दिया है, क्योंकि अभी मेरे पास छोटा पिंजरा नहीं है। और इस कबूतरी को आज हो गया है डाइजेस्ट प्रॉब्लम, तो मैं इसको नियोपेप्टिन का सिरप पिलाऊंगा, नियोपेप्टिन से इसका डाइजेस्ट प्रॉब्लम पूरा सही हो जाएगा। और इस पेयर के पास है नकली अंडा, मैंने कल ही रख दिया था इस पेयर के पास नकली अंडा। अभी मैं रीजन भी बताता हूँ किस लिए रखा था। देखिए, ये वाली फीमेल जब अंडा देगी तब इन दोनों का अंडा मुझे उन दोनों के नीचे रखना है, इसलिए मैंने उन दोनों के नीचे नकली अंडा रख दिया था। और डॉग का खाना भी लगभग तैयार हो चुका है, और आज शायद हम लोगों के इधर बारिश होने वाला है, क्योंकि सुबह से बहुत जोर से बिजली गरज रहा है। और शीरो बैठ के इंतजार कर रही है बारिश आने का, क्योंकि इसको बारिश में भीगना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरे सब एनिमल्स को बारिश में भीगना बहुत ही ज्यादा पसंद है, सिवाय इस गंदे बच्चे को छोड़ के। इसको बारिश में भीगना एकदम भी अच्छा नहीं लगता, जब भी बारिश आता है मुझे इसको कवर कर देना पड़ता है। लेकिन एक बात तो है, चीकू मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए मुझे छोड़ के बाकी सबको काटता है। और लवबर्ड्स ने जब से अंडा दिया है बाहर आती नहीं है, खाना खाती है फिर अंदर चली जाती है, और मेल भी उसके साथ अंदर ही रहता है। देखिए, टोटल 4 अंडा दिया है, और एक ग्रीन वाली फीमेल है और ब्लू वाला मेल है, और दोनों का पेयर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अभी देखते हैं इस 4 अंडों में से कितना अंडा हैच होता है। आप लोगों ने तो शायद ये बात सुना ही होगा, मुंह काला करके आया, लेकिन देखिए मेरा पीकू गाजर खा के मुंह पूरा ऑरेंज कर लिया, और कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ऑरेंज फेस में। और देखिए, चीकी के मुंह में भी गाजर लगा हुआ है और अपने बच्चे को मुझसे प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन मैं अगर उंगली अंदर डालूंगा तो मुझे काटेगी नहीं, क्योंकि ये भी पूरा टेम है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे किसी नए ब्लॉग पे। बाय।